नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जन आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लोग समर्थन में आ रहे हैं, राजनीतिक बंधने जो है वो टूटती जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों का सपोर्ट पप्पू यादव को मिल रहा है। जो दल घोर विरोधी रहे हैं, अब उनके नेता भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं और उनका समर्थन देना भी लाजमी है, क्योंकि बुरे दौर में जितना बिहार को पप्पू यादव ने थामा है, शायद ही किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि ने थामा हो। पप्पू यादव को लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, हम प्रमुख जीतन राम मांझी का ट्वीट उन्होंने सपोर्ट किया और अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पप्पू यादव के रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा वो समय जब लालू यादव और पप्पू यादव साथ में हुआ करते थे, फिर अलगाव हुआ और एक बार फिर से दूरियां घटती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने पप्पू यादव का समर्थन कर दिया है, उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, ये कुशासन कुमार का अभागा बिहार है भैया। यहां चोरी पकड़ने वालों को गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलता है, तो बहुत बड़ा कटाक्ष किया है तेज प्रताप यादव ने, बहुत बड़ा तंज कसा है। लिखते हैं कि ये कुशासन कुमार का अभागा बिहार है, बिहार को उन्होंने अभागा बताया है। और आपको पता है कि कुशासन कुमार की संज्ञा किसे दी जाती है? आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से। यहाँ नीतीश कुमार की बात हो रही है। लिखते हैं, यहाँ चोरी पकड़ने वालों को गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलता है। हैशटैग रिलीज पप्पू यादव, ये ट्वीट तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने किया है। और चोरी पकड़ने की बात आपको याद होगी, सारण इलाके में राजीव प्रताप रूड़ी जो वहाँ के सांसद हैं, कई सारे एम्बुलेंस वहां पर रखे हुए थे जो इस मुश्किल दौर में जनता के काम नहीं आ रहे थे। कुछ दिनों पहले इस मामले को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ही उजागर किया था, जिसके बाद एम्बुलेंस मामला तूल पकड़ता गया, बात विवाद बढ़ता गया। राजीव प्रताप रूड़ी ने भी कई बातें कही, कई चैलेंज किए, पप्पू यादव ने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आप ड्राइवर दीजिए, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस खाली पड़े हुए थे। फिर राजीव प्रताप रूड़ी को जवाब में पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर खड़े करके दिखाए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कि लीजिए 40 ड्राइवर और हमें एम्बुलेंस सौंपिए, हम आम जनता की सेवा करेंगे, मदद करेंगे। इसके बाद ये मामला बढ़ता गया, कई कई नए मामले निकल कर आए और आज पप्पू यादव को लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि यहां चोरी पकड़ने वालों को गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलता है। लालू यादव के बड़े बेटे पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। हैशटैग रिलीज पप्पू यादव लिखा है तेज प्रताप यादव ने। मांग लगातार बढ़ती जा रही है पप्पू यादव की रिहाई की। पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीत रंजन ने भी इससे पहले ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को टैग करते हुए कहा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने में गिरफ्तारी का प्रावधान कहीं पर नहीं है, इसलिए उन्हें अविलंब छोड़ दिया जाना चाहिए और हम सब मिलकर मानवता की सेवा में लगे इस मुश्किल दौर में। और अब तेज प्रताप यादव, जो कि खुद विधायक हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, पहले बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं कुछ समय के लिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये कुशासन कुमार का अभागा बिहार है। यहाँ चोरी पकड़ने वालों को गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलता है, बहुत बड़ा कटाक्ष तेज प्रताप यादव की तरफ से। हैशटैग रिलीज पप्पू यादव भी इन्होंने लिखा हुआ है और ये जो हैशटैग है वो काफी ट्रेंड कर रहा है, नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ घंटों में ही ये 1,00,000 के पार हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग लगातार इसे ट्वीट कर रहे हैं और पप्पू यादव के रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। राजनीतिक बंधन जो है वो टूटते जा रहे हैं, अपने दायरों से बाहर निकल कर जो भी राजनेता है वो पप्पू यादव के समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो पहले विरोधी रहे हो लेकिन फिर भी पप्पू यादव का समर्थन
कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने इस बात को देखा है कि सभी मुश्किलों के बावजूद भी पप्पू यादव ने आम जनता की किस तरह से सेवा की है हर मुश्किल दौर में, और इस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो सभी की संवेदनाएं उनके साथ है और लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को रिलीज किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।